अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, कैसे हो गए। तो अभी लास्ट वॉक जो आपने इसके पहले देखा जुमे के दिन, अभी रेंडर हो रहा है। जैसे हमें टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया है कि भाई हमें डेली वॉक अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लगभग 2 हफ्ते के बाद। उसके पहले मैंने 113 दिन डेली वॉक किया था अपने गाँव से लेकर अपने मुंबई तक की जर्नी, जैसे आपने देखा होगा। तो फाइनल अभी वापस से मैं डेली वॉक स्टार्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके लिए मैं ब्रेक लिया था वो सारे के सारे काम अच्छी तरीके से हो गए। जैसे आपने देखा भाई, रिसेंटली मैं आईपैड परचेज किया था, उसके अंदर मुझे एक्सटर्नल मॉनिटर का काम करना था, वो भी अपना काम हो गया बिना किसी आईफोन के। उसके अलावा भी सारे के सारे काम थे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। जो कोई भी मेरे व्लॉग्स के लिए वेट कर रहा था, दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं कुछ ना कुछ सिखाऊँ। एडिटिंग में भी काफी सारे डिफरेंटली हुए, सब काफी ज्यादा मैं खुश हूँ, एक्साइटेड भी वापस से डेली व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। एंड लुक एट दिस सेटअप वंस, एंड मीनवाइल जो मेरा व्लॉग था वो भी रेंडर हो चुका है। एंड जस्ट लुक एट दिस एडिटिंग स्पेस, एडिटिंग सेटअप। ये अपना आईपैड है, ये मेरा लैपटॉप है, ये अपने राहिल भाई का लैपटॉप है। और अब से जो मेरे व्लॉग्स है उसकी एडिटिंग करेंगे अपने राहिल भाई। तो मैं स्टार्टिंग हो जाएगी राहिल भाई की, मजा आएगा थोड़ा, ऐसा लगेगा थोड़ा लैपटॉप चलेगा। A few moments later. आज मालूम पड़ा एडिट करने में टाइम लगता है। जैसे जैसे और टाइम होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपकी बढ़ेगी तो आपको और आसानी होगी और जल्दी आपसे एडिट हो पाएगा। The next day. जब मैं इनकी उम्र करता तो कीपैड का फोन होता था। आप देखो भाई, टच स्क्रीन से लोग भाई लिटरली टच करके कार्टून चेंज कर रहे हैं। सब रेडी हो चुके जुमा की नमाज के लिए, भी थोड़ी देर ऐसा नहीं थी भी चलते, पर और हिसाब लगे मजीद पूरे थे। जुम्मे के घर में है, जुम्मे के घर में हाई बोना स्टार्ट कर दिया है। तो जुम्मा के दिन जाता हूँ, बैठ टाइम भी था मस्जिद में, वहाँ पर जो गर्मी पड़ने वाली है। अब ये जो जगह ये भी कंस्ट्रक्शन में आ गई अभी रिसेंटली। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई खाने में था जुमा स्पेशल अपना पुलाव। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद अभी 4 बजे अपन जा रहे चोर बाजार, अभी जुमा बाजार। मैं राहिल, मेरा भाई। और भाई क्या हाल चाल? और राहिल भाई क्या बोले जाता है कैमरे में? बोला कवर सब जगह हमारे एप्पल वाले कवर आके लेंगे, इंडिया वाले नहीं लेंगे। ये देखो भाई गेमिंग केबल है भाई। कितने का है? 1500। नाम क्या आपका? नाम विनय। विनय विनय सॉरी। तो भाई इनके अगर आपकी जुमा की नमाज छूट गई है तो आप यहाँ पे आके जुमा की नमाज अदा कर सकते हो। यहाँ पे 4:15 की समथिंग जमात है चोर बाजार के अंदर, ये मस्जिद है। देखिए आपको मैं शायद से पुराने ब्लॉग में दिखाया था, मैंने मस्जिद का नाम भूल गया फिलहाल, हंडी वाली मस्जिद नाम है। तो आप यहाँ पे आके जुमा की नमाज अदा कर सकते हो। आदम भाई मैम, ये शुक्रिया भाई। आज भी मैं चोर बजे से काम की चीज़ लिया जो कि आपको घर पे चल के बताता हूँ मैं। यहाँ पर 9 बजे सो गया, कब का सो गया। तो एक बार फिर से यहाँ पे टेबल की लोकेशन चेंज कर दी गई है। ये पहले वहाँ पे था अपना, ये जो टेबल है ये अभी यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे आ चुका है। The next day. एंड उसी के साथ साथ साफ सफाई भी हो गई। एंड मैं अपनी विंडो को और भी ज़्यादा पास आ गया। एनी वेज जो चीज़ मैंने कल जो मतलब परचेज किया था वो ये एक TWS है, गेमिंग TWS। तो भाई ये तो इसका बॉक्स है, एंड हियर इज द एक्चुअल TWS देयर गेस केस, जिसको मैं एकदम मस्त चिकन पट्टी से चिपका के एकदम सेफ कर दिया। ये सर केस नहीं मिलता, कोई कवर नहीं मिलता, जैसे कि अपना एयरपोर्ट 3 का मिला था। एंड जस्ट लुक एट दिस, हर बार इसमें जो बेस है इसकी साउंड क्वालिटी इज लाइक नेक्स्ट लेवल। ये जो TWS ऑनलाइन अराउंड 1500-2000 रुपये का मिलता है, एंड मुझे जुमा बाजार से मेरा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का सील्ड पैक था मेरे सामने खोला बॉक्स को। सो ये चीज़ें मैं परचेज किया। जैसे मैं कहता हूँ जुमा बाजार शोर बाजार, वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, कम प्राइस में मिलती है, कभी कभी सस्ते की महंगा करके बेचते। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको डील करते हो। लास्ट संडे को मैंने एयरपोर्ट 3 का क्लोन परचेज किया था, उसके बाद जाके मैंने कल जुमे के दिन ये परचेज किया, ये गेमिंग TWS। जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो आज आपके लिए भी सैटरडे है, मेरे लिए भी सैटरडे है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं भाई 3। खाना मैंने अब तक नहीं खाया क्योंकि मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था। अभी जाके मैं व्लॉग को एंड करने के बाद खाना खाने में बैठूंगा। मोस्ट प्रोबेबली राहिल मेरा व्लॉग एडिट करेगा। आपसे फिलहाल राहिल के लैपटॉप में इंस्टॉल किया था फिल्मोरा 11, क्योंकि फिल्मोरा मैंने पहले भी यूज़ किया, फिल्मोरा 7 एंड फिल्मोरा 10 मैंने यूज़ किया, फिल्मोरा 11 न्यू है। मैं यूज़ करता हूँ Adobe Premiere Pro। फिलहाल राहिल अभी मैं व्लॉग एडिट करेगा फिल्मोरा पे। तो जैसे को मैंने कहा भाई डेली व्लॉग से मैं अलहमदुल्ला चालू हो चुके हैं। देखो और बात जो मेरे व्लॉग की लेंथ होगी कभी बड़ी होगी कभी छोटी होगी, क्योंकि मैं कुछ दिखा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड डेली वर्क में जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको मैं कुछ ना कुछ सिखाते रहूँ, साथ ही साथ मैं एंटरटेनिंग भी थोड़ा रखूँ व्लॉग को, तो आपको भी काफी मजा आएगा। वेल इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहीं पे समाप्त। डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट एंड बाकी फॉर मोर अपडेट अपने इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नेवर गिव अप, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।